अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज का नुस्खा मेरे मोहतरम भाइयों उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम हद से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, हमारे ऊपर बुढ़ेपा आ चुका है और हम अपनी बीवी के पास जाते हैं, हमें शर्मिंदगी होती है और हमारी टाइमिंग कम है और हमारा आला इतना सिर सुकड़ चुका है, उनके लिए ये बहुत मुजरब नुस्खा है। अगर इसको जवान इस्तेमाल करें तो फिर तो ये एक बिजली की तरह उसके जिस्म के अंदर लहर दुड़ा देगा। अगर इसको दो बीवियों वाले इस्तेमाल करें या तीन बीवियों वाले इस्तेमाल करें, मैं गुजारिश ये करूँगा कि एक बीवी वाला इस नुस्खे को इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि उसके अंदर ताकत इतनी आ जाएगी कि वो अपने आप पर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इतनी इस नुस्खे के अंदर कुव्वत और ताकत है। मर्दाना टाइमिंग को ये बढ़ाता है और मणि को ये गाढ़ा करता है। आला तनासिल के अंदर सख्ती आती है और इस कदर सख्ती आ जाती है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। आइए, वो एक चीज़ क्या है, वो है प्यास का रस। आज जो मैंने आपको प्यास का रस इस्तेमाल करने का तरीका बतलाना है, वो जो मैं बतलाऊँ उसके मुताबिक इस्तेमाल करें तो जिसके पास एक बीवी वो कभी भी ना करे। और इसके अंदर इतनी कुव्वत और इतनी हबशियों की तरह और अरबियों की तरह उसके जिस्म के अंदर कुव्वत और ताकत और कई घंटों तक उसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। प्याज का रस आपने किस तरह का खाना है, इसका इस्तेमाल आपने किस तरह करना है, आइए नोट कर लीजिए। आपने सबसे पहले प्याज का रस निकालना है, वो आपके पास दो चम्मच प्याज का रस होना चाहिए, इसको निकाल लें। आपके पास छोटी मक्खी का शहद होना चाहिए, दो चम्मच इसके अंदर ये मिक्स कर लें। इसको मिक्स करके मोहतरम भाई इसके अंदर आधी चम्मच से कम, चम्मच का चौथा हिस्सा कलवंजी पीसी हुई सफूफ वो इसके अंदर शामिल कर दें। इसको शामिल करके इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें। आपने इसको मुसलसल इस्तेमाल करना है और जब दोपहर का खाना खाएं तो दोपहर के खाने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। जब दोपहर के खाने के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी, आपकी कुव्वत भी बढ़ेगी और आपका आला तनासिल इतना सख्त होगा जिस तरह 15 से 16 17 साल के लड़के जवान बच्चे का आला तनासिल के अंदर सख्ती और कुव्वत होती है, इससे भी इतना आपके आला तनासिल के अंदर ज़्यादा सख्ती और कुव्वत आएगी और मर्दाना टाइमिंग भी बढ़ जाएगी और आप लज्जत भी ज़्यादा हासिल करेंगे, आपकी बीवी भी ज़्यादा लज्जत हासिल करेगी। और ये नुस्खा कमाल का है। अस्सलामु अलैकुम।